देखिए एक्सियम चार्जर हमने अभी अभी खोला है, बहुत दूर से आए हैं चार्जर। ये देखिए पूरा वाटर डैमेज हुआ है, क्लीन किए हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए पीछे के साइड है, क्या है रे इसमें अभी प्रॉब्लम है कि ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए पूरा साइड कितना मिट्टी चला गया, वाटर का पूरा डैमेज हुआ है। अभी देखिए पूरा चारों तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए पूरा इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। देखिए हम इसको अच्छे से सफाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या प्रॉब्लम है क्या खराब है। अच्छे से इसको हीट देने के कारण है जहाँ हमने सफाई किए हैं, और हीट से जो हमने ऑयल दिए थे अभी और थोड़ा सूख जाए, सफाई बढ़िया से करना चाहिए। देखिए पूरा डैमेज हुआ है इस तरफ, इसको पहले थोड़ा सा सफाई कर ले रहे हैं चारों तरफ। यहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा वाटर चला गया था इसमें। पूरा वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम है, आपको दिखाएंगे। देखते हैं पूरा सफाई करने के बाद दोनों तरफ। ये देखिए हमने यहाँ मिट्टी का तेल यूज किया है, आप कौन सा भी कर सकते हैं। मिट्टी का तेल से सफाई करने से प्रिन का जो वाटर डैमेज होता है उसमें मिट्टी का तेल सही होता है। उसके बाद आप थिनर और भी कई लोग जो पेट्रोल का भी यूज करते हैं, तो हमारा मानना है कि पेट्रोल मत दीजिए, पेट्रोल में प्रॉब्लम होता है। थिनर से क्लीन होगा, वो बढ़िया वाला थिनर है। इसको हीट करने के कारण है कि थिनर हमने इसमें यूज किए हैं, उसमें पानी का मिलावट होता है। अब पानी का मिलावट हो तो आप शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं है। देखिए पूरा हमने डीसी कनेक्शन देने के बाद वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो एक नंबर पिन में सही था। ये देखिए तो हमने डीसी वोल्टेज देने के बाद वोल्टेज चेक कर रहे हैं, 12 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, 10 वोल्ट यहाँ पे भी है। ये वोल्टेज अभी तक सही है। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट करके देखेंगे कहीं से। हाँ इस पावर हमने दे दी है, ऑन हो जाना चाहिए, ऑन नहीं हो रहा है। दोबारा जो है वोल्टेज हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपेसिटर में 100 वोल्ट दोनों मिला के 200 के आसपास वोल्टेज है। तो इस सीरीज में लगा हुआ है, वोल्टेज सही है सीरीज में होने के कारण। ये नंबर 1 पिन में 3 वोल्ट के करीब दिखा रहा है, थोड़ा कम होना चाहिए था। यहाँ पे वोल्टेज है 2.5 के करीब, 4 वोल्ट 5 वोल्ट 3 2.14 5 वोल्ट 1.8 ये गलत है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए। 2 पॉइंट वोल्टेज
यहाँ पे 12 होना चाहिए था, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर भी 5 वोल्ट की जगह 7 वोल्ट आ रहा है, ग्राउंड में वोल्टेज आ रहा है। देखिए ग्राउंड, इसका मतलब कुछ तो है गड़बड़, यहाँ वोल्टेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी आ रहा है वोल्टेज। और वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, दोबारा देख रहे हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि ये ख़राब है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए, 50 वोल्ट के आसपास। ये भी ज़्यादा आ रहा है, 12 वोल्ट आना चाहिए। देखिए ये 12 वोल्ट या 10 के करीब आना चाहिए वोल्टेज, ज़्यादा आ रहा है वोल्टेज। यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज आना नहीं चाहिए था। 78-12 में भी वोल्टेज आ रहा है, 2 पॉइंट के करीब। वोल्टेज यहाँ पे भी 12 आ रहे हैं, 10 के करीब आना चाहिए, 78.05 के आसपास 12 वोल्ट, 5 वोल्ट के जगह 7 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं इसको बनाने में। देखिए हमें थोड़ा यहाँ पे डाउट है, ये डीसी का कनेक्शन यहाँ पे डाउट है। नहीं देखिए थोड़ा सा इसको कटिंग करने के बाद अंदर में क्या खराबी है, कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया अंदर। चार्जर के बारे में आपको कुछ जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा, और भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है दूसरे चार्जर, कंट्रोलर, मैग्नेट मशीन के बारे में, मैग्नेट के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट, आपको कुछ जानना है तो उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप देखते रहिए हमारे चैनल में, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, कौन सा मशीन के बारे में आपको जानना चाहिए, जानकारी चाहिए आप बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें कटा हुआ मिला है, ब्लास्ट हो गया अंदर, इसको सही से कटिंग करके दोबारा इसको सेट करके दिखाएंगे आपको। खोल ले रहे हैं, प्लस माइनस सही से लगाइएगा अगर आपको ये सब फॉल्ट मिले तो। दोस्तों हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसको सही से निकालने के बाद फिटिंग करके आपको पूरा बताएंगे, और कहीं फॉल्ट है कि नहीं आप देख लीजिएगा। ईस्टमैन चार्जर, उसके बाद एक्जीएम, फ्लिपकार्ट, जितने भी चार्जर हैं, कंट्रोलर जितना भी है, महिंद्रा के बैटरी पैक के बारे में, महिंद्रा चार्जर, हमारे यहाँ सब कुछ रिपेयर होता है। और काम सीखना चाहते हैं तो हमारा अभी क्लास चल रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा जो है आपको बता देंगे, नंबर भी आपको दिया जाएगा। कोई काम सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, जो कि हमें कनेक्ट कर रहे हैं डीसी वोल्ट, उसके बाद वोल्टेज चेक कर रहे हैं, वोल्टेज के चेक कर रहे हैं आपको। यहाँ पे 12 वोल्ट सही दिखा रहा है आपको, यहाँ पे सही है,
अब देखिए वोल्टेज जो अप हो रहा था यानी कि थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, वो वोल्टेज डाउन हो रहा है 3.6, ये भी सही है, 1.9 सारा वोल्टेज सही है, अभी सही दिखा रहा है। इसका मतलब आपको इस तरीके का फॉल्ट अगर मिले तो आप 100% आपका काम बन जाएगा, इसी तरीके से आप काम कीजिएगा। तो आप देखिए 12 वोल्टेज आ रहा है, देखिए यहाँ पे भी सही दिखा रहा है, ये भी सही है। अब इसको हमने सीरीज में थोड़ा देख ले रहे हैं कहीं पर, सीरीज में टेस्ट करना ज़रूरी है। आप सीरीज बना के ही काम कीजिएगा, कोई भी पावर सप्लाई का कौन सा भी काम हो, ताकि आपका कहीं पे भी कुछ फॉल्ट हो तो ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, सीरीज में ही आपको पता चल जाएगा। हमने ऑन कर दिए हैं, उसके बाद हमने डायरेक्ट भी लगा कर देखना है कैसा काम हो रहा है। अभी ये चलना चाहिए, देखिए ये ऑन हो गया है अभी, और सीरीज में लगा के ही इसका वोल्टेज हम दोबारा देख ले रहे हैं। ये 17 वोल्ट सीरीज में है इसलिए 17 दिखा रहा है, उसके डायरेक्ट हो तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज बढ़िया आ रहा है, 60 वोल्ट के करीब, ये ठीक से काम हो रहा है। अगर कोई दोस्त काम सीखना चाहते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्लास अभी चल रहा है, वो क्लास पूरा ख़त्म होने के बाद ही दूसरा क्लास चालू होगा, उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए पूरा सेट करने के बाद हमने दिखा रहे हैं, ये ऑन हो गया डायरेक्ट। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर, थैंक यू सो मच।